हो, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर्मूलाज एंड सॉल्यूशन। कल तक हमने 13.2 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि डायमीटर जो है एक रोलर का 84 सेंटीमीटर है। मतलब आपका रेडियस कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। एंड लेंथ मतलब हाइट जो है वो है 120 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ग्राउंड। एक प्ले ग्राउंड को हमें क्या करना है? लेवल करना है। तो जो रोलर कोस्टर है, ठीक है, वो मूव करता है और पूरा जो लेवल करने के लिए ग्राउंड, प्ले ग्राउंड को, वो 500 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। अब एक बात को ध्यान दीजिए, जब ये रोल करेगा तो सिर्फ जो सिलेंडर का CSA यूज होगा। क्या यूज होगा? CSA मतलब 2πRH। क्या यूज होगा? 2πRH। अब हमने देखा हमारा CSA यूज होगा मतलब 2πRH। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि 2πRH यूज होते हुए, मतलब CSA यूज होते हुए जब वो रोल कर रहा है, 500 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए हैं। कितने हुए हैं? 500 रेवोल्यूशन। तो पूछ रहा है कि कितने टोटल उसने एरिया को कवर करा। ठीक है, अब वो 500 टोटल रेवोल्यूशन है। अब वो सर्कल लगाते 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 कितना टोटल एरिया को कवर करेगा। ठीक बात। अब है, डालिए वैल्यू। पाई क्या है? 22/7। आर क्या है आपका? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच क्या है आपका? 120 120। 7×6=42, 22×44, ठीक है, और 12×6 72×10, ये आपका आ जाएगा 31680। सिंपल कैलकुलेशन है। और डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में चल रही है, यूनिट आपकी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकालेंगे? पूरा जिसने उसने कवर करा है, उसने कितने सर्कल लगाए हैं, कितने रोल करे हैं? 500। कितने करे हैं? 500। कितने करे हैं उसने? 500। 500×31680। जीरो को अपना साइड रखिए, आंसर क्या आएगा? 15840 इनका आएगा। ठीक है, फिर जीरो कितने के पास? 1, 2, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहां तक आंसर लिखाएंगे है तो ये ठीक, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अगर सपोज करो 3 मार्क्स का है, आपने आंसर यहाँ तक निकाला है, तो आपको 2.5 मिलेंगे, क्योंकि आपको 3 तभी मिलेंगे जब आप मीटर स्क्वायर में आंसर निकाल कर आएंगे। किस में निकाल के आएंगे? मीटर स्क्वायर में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? अभी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में करना होगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से, अब स्क्वायर है तो 100, और मतलब आपके जो 4 जीरो है वो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब वो बोल रहा है, अब आप देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है, जो 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, ठीक है, और जो हाइट है उसकी 3.5 है। तो ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2πRH आपको निकालना है, और 2πRH निकालने के बाद आपको सिंपल उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बता रहा है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बोल रहा है ना कि पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, रेडियस क्या है जी? 25 सेंटीमीटर। डायमीटर को हमने
हाफ कर दिया। हाइट क्या आएगी आपकी? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब आप सोचेंगे कि मैं अपना डायमेंशन को मीटर में रखूँ या सेंटीमीटर में रखूँ। अब एक ध्यान दीजिए, आपने लास्ट में जाके कोस निकालनी है, और कोस वो 12.50 पर मीटर स्क्वायर को दे रहा है। किसको दे रहा है? पर मीटर स्क्वायर को दे रहा है। तो आप क्या करो, इसको कर दो आप मीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट। इसमें कर दो मीटर में कन्वर्ट, क्या आ जाएगा? 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। और अगर आपकी कैलकुलेशन इजी होती है तो आप 25/100 भी लिख लेना कैलकुलेशन करते वक्त। देखिए आगे हमें क्या निकालना है, सी एस से ऑफ द पिलर, सी एस से ऑफ द पिलर, सी एस से ऑफ द पिलर निकालना है, दैट इज 2 पाई आर एच। करिए 2 × 22/7 × 1/4 × 3.5 है, डेसिमल टाइम के नीचे क्या आएगा? 10। अब देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 11 = 22, 7 × 5 = 35। ये क्या आ जाएगा आपका? 55/10, दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, एरिया ऑफ पिलर दैट इज 5.5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ₹68.75। आपने ध्यान दिया होगा, यूनिट तो अपने आप ही निकल कर आती है, और यूनिट में ही सबसे ज्यादा बच्चे गलती अक्सर करते हैं। ठीक है, चलते हैं आप 6th क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेंशन ईमेल आईडी में मुझे दे सकते हैं। ठीक है, प्लीज पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और रेडियस दे रखा है, हमें हाइट निकालनी है। सिंपल है, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4.4 मीटर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है? 0.7, 0.7 मीटर। 2 × 22/7, और आर क्या है? 7/10। आपको निकालनी है हाइट, 44/10 कर लीजिए इसको मीटर स्क्वायर, रेडियस का मीटर। ठीक है, 44/10, 2 × 22/7 किस में आ जाएंगे? डिवाइड में, और 7 और 10 किस में जाएंगे? मल्टीप्लाई में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 2 को 22 से, ठीक है, 21 + 20 क्या आंसर क्या आ गया आपका? 1 मीटर इज योर आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेंशन ईमेल आईडी में भी बता।